नमस्कार दोस्तों, मैं विनय इन्फॉर्मर आप सभी को स्वागत करता है। दोस्तों, प्री मैच्योर विड्रॉल और पेनाल्टी को लेकर बहुत से लोगों के मन में डाउट है। उस डाउट को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। आप इतना मान लीजिए कि अगर आप बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट को समय से पहले तोड़ते हैं तो आपको डबल नुकसान सहना पड़ेगा। वह कैसे, आइए एग्जाम्पल के साथ बारीकी से समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो नुकसान होगा वह है एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाएगा। दूसरा नुकसान, समय से पहले एफडी तोड़वाने पर आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। शायद आप इस बात से अनजान हैं, इसलिए बैंक की एफडी रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, इतना हक तो बनता है, तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों, बैंक फिक्स डिपॉजिट रूल्स कहता है कि अगर आपने 5 लाख रुपए की एफडी किसी भी बैंक में कराए हैं 5 सालों के लिए, जब आप एफडी करा रहे थे उस वक्त इंटरेस्ट रेट 6% चल रहा था, उस हिसाब से 5 लाख पर 1 साल में इंटरेस्ट जो हुआ 30,000 रुपया, यानी टोटल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलाकर 5,30,000 रुपया हुआ। अचानक आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, 1 साल बाद ही आप फिक्स डिपॉजिट तोड़ना चाहते हैं, तो 1 साल बाद एफडी तोड़ने पर पैसा कितना मिलेगा, आइए जानते हैं। आपकी एफडी थी 5 लाख की, इंटरेस्ट रेट कितना था, 6%, जबकि अपने बीच में ही एफडी तोड़ दी तो उस पर बैंक 1% इंटरेस्ट रेट काट लेगा, यानी आपको 5% के हिसाब से ही 5 लाख पर इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। 5 लाख पर 5% इंटरेस्ट रेट देकर आपकी जो पैसा मिलेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वह होगा 5,25,000 रुपया। 5,000 रुपये का आपको लॉस सहना पड़ेगा 1 साल में एफडी तोड़वाने पर। यह तो रहा पहला नुकसान, समय से पहले एफडी तोड़वाने पर। अब दूसरे नुकसान को जानते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख की एफडी 5 साल के लिए करवा रखी है 6% ब्याज के साथ, लेकिन 2 साल बाद आपको एफडी किसी कारणवश तोड़ना चाहते हैं, तो 2 साल बाद एफडी तोड़ने पर जो पैसा मिलेगा वह होगा 5,49,750। वह कैसे, एग्जाम्पल से समझिए। 5 लाख की एफडी थी जिस पर 1% इंटरेस्ट रेट काटकर 5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 5 लाख पर 2 साल की इंटरेस्ट हुआ 50,000 रुपया। इस 50,000 रुपया पर बैंक 0.50% पेनाल्टी काटेगा, यानी 250 रुपया 50,000 रुपया पर पेनाल्टी हुआ, तो बचा कितना, 49,750। इस प्रकार 2 साल बाद आपकी जो पैसा मिलेगा 5,49,750 रुपया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा बात आपको भली बातें समझ में आ गया होगा कि एफडी तोड़वाने पर डबल नुकसान सहना पड़ सकता है। एक बात और बताना चाहूँगा, एफडी पर जो बैंक पेनाल्टी लगाता है वह सिर्फ इंटरेस्ट के अमाउंट पर ही लगाता है, वह भी 40,000 रुपया से ऊपर के इंटरेस्ट होने पर। 40,000 रुपया से कम अमाउंट होने पर बैंक पेनाल्टी नहीं लगाता है, इसका भी जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।